आप देख रहे हैं जेवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नावा सिटी से है, जहां उपखंड मुख्यालय स्थित आदर्श विद्या मंदिर नावा शहर में बसंत पंचमी का उत्सव बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय समिति द्वारा विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में आहुतियां देते हुए यज्ञ का आयोजन किया गया। विद्यालय के आचार्य नरेंद्र कुमार मलिंदा से मिली जानकारी के अनुसार यज्ञ में मुख्य यजमान सुभाष चावला एवं गणेश कुमावत रहे। विद्यालय के अभिभावकों एवं विद्यालय परिवार द्वारा हवन में आहुतियां दी गई। इस दौरान समिति अध्यक्ष सत्यनारायण लड्डा ने कहा कि बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है, मानो तो क्या पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्य उदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। इस अवसर पर विद्यालय में 6 नए बालकों का विद्यारंभ संस्कार किया गया, जिनको माला पहनाकर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। विद्यालय समिति द्वारा उनका मुंह मीठा करवाया गया। सुभाष चावला द्वारा सभी भैया बहनों को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर पंडित गजानन शर्मा ने बसंत पंचमी का महत्व बताते हुए कहा कि वर्तमान समय भैया बहनों के अध्ययन के लिए अनुकूल है, प्रकृति एवं मनुष्यों में नया उत्साह का संचार होता है। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य राम प्रसाद कुमावत ने सभी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। वह कार्यक्रम का मन संचालन आचार्य नरेंद्र कुमार मलिंदा ने किया। इस दौरान विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण लड्डा, व्यवस्थापक गोपाल शर्मा, कोषाध्यक्ष तुलसीराम राजस्थानी, विद्यालय आचार्य भंवरलाल जाट, भंवरलाल स्वामी, जीवन राम, भूपेंद्र चौक, आचार्य कविता कुमावत, संतोष कुमावत, रेखा कंवर आदि उपस्थित रहे। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।